एक बड़ी खबर इधर, एक और वॉर फ्रंट जो खुलता हुआ दिख रहा है वहां से आ रही है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की पहली तस्वीर सामने आ गई है। आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक, जिसमें पाकिस्तान ने 40 सिविलियंस की जान ले ली, ये सोर्सेस कह रहे हैं। ये अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की पहली तस्वीर, गए थे आतंकी मारने और मार के आ गए मासूम और मजलूमों को। देखिए कैसे यहां पर एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्ट में दिख रहा। जनरल कोचर, ये एयर स्ट्राइक क्या और एक बड़ी टेंशन दूसरे मोर्च दुनिया के दूसरे हिस्से में देखेंगे हम इसकी वजह से? बिल्कुल देख सकते हैं, बिकॉज कोई भी अगर ऐसा एक्शन होता है जैसे कि एयर स्ट्राइक है, तो एयर स्ट्राइक एक वायलेशन ऑफ एयर स्पेस होता है और एक दूसरे इसको देश में आप अगर आप इसको वायलेशन ड्यूरन लाइन को लेकर तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वैसे ही एक दूसरे के बीच टेंशन है, लेकिन इस तरह उनकी टेरिटरी में घुसकर एयर स्ट्राइक करना, अगर उनसे कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन के साथ तो एयर स्ट्राइक हो ही नहीं सकती थी, तो ये पाकिस्तान का यूनिलैटरल एक्शन है। ये अफगानिस्तान गवर्नमेंट की मंजूरी से नहीं ये एयर स्ट्राइक हुई है, बिकॉज कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वो अपनी टेरिटरी में एयर स्ट्राइक कराए। ठीक है दूसरे देश जहाँ तक टेररिस्ट इंस्टॉलेशन को स्ट्राइक करने का है, सबसे पहले इजराइल ने शुरू किया था, उसका इंडिया ने रिवाइव किया और इंडिया सक्सेसफुल रही। इसके लिए तीन चीज़ों की बहुत तगड़ी जरूरत है। पहली करेक्ट कोऑर्डिनेट्स जो हमें इंड से मिलती है, करेक्ट नेविगेशन एबिलिटी एंड पायलट एबिलिटी, बिकॉज ऑफ तीनों चीज़ के कोऑर्डिनेशन से वी अचीव्ड इन द बालाकोट। सिमिलरली इजराइल हैज अचीव्ड हियर नाउ, उनके पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ठीक है, इनके एयरक्राफ्ट का नेविगेशन सिस्टम पुराने हो चुके हैं। हर मोर्चे पर फेलियर दिख रहा है इस एयर स्ट्राइक में। और हमारे संवाददाता विवेक वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, क्या इसको माना जाए कि चीन, ताइवान, यूक्रेन, रशिया के बाद तीसरा वॉर फ्रंट अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच में होने जा रहा है और उसकी पहली तस्वीर सामने आ गई है? बिल्कुल, ये तस्वीर इसलिए और है मैं विपिन की पाकिस्तान की आर्मी अभी तक चुप है। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ये कबूल नहीं किया गया है कि अफगानिस्तान में उसने कोई एयर स्ट्राइक की है, लेकिन CP9 भारत सरकार के पास वो फोटो है जिस जगह पर पाकिस्तान ने की है उस एयर स्ट्राइक में जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग मर रहे हैं, उनकी तस्वीरें बताती हैं कि अफगानिस्तान पर बीती रात साउथर्न अफगानिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एयर स्ट्राइक और आर्टिलरी अटैक हुआ है। और अपडेट उसमें एक ये भी है विपिन की तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान का साथ देने के लिए तालिबान के जो लड़ाके हैं वो बॉर्डर की तरफ पर पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पहुंच रहे हैं, उनका साथ देंगे। और साथ देने का मतलब ये है कि तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के बीच जबरदस्त जंग शुरू होने वाली है। छोटी मोटी झड़पें अक्सर वहां पर ड्यूरन लाइन पर होती रहती हैं। कई ऐसी खबरें आई, पाकिस्तान मीडिया ने कई बार ऐसा रिपोर्ट किया कि तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया है अफगानिस्तान की धरती से, लेकिन ये ऐलानिया तौर पे जंग होगी विपिन और खुलेआम जंग। चलिए विवेक, आप इसी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।